अबे परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं उसका, खून कर दूं मैं। और तेरे को मैंने मना किया था, इसको मैंने मना किया था, अबे ये कहां से आया? रोको रोको, अरे उनको भी साथ ले लो, अरे उनको भी जर्मनी देखने दो। अबे क्या टूरिस्ट बस है ये, हैं टूर करने निकले हम लोग, वर्ल्ड टूर। हां साले क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोगों को घुमाऊं? अबे गाड़ी रोक, उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं तू नहीं आए। अबे गाड़ी रोक, उतार इसको। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे जर्मनी जाना है। क्यों, तेरे पिताजी की कब्र है वहां पे? साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। अबे ये सफेद खरोच कौन है? कोई भूत तो नहीं है? अबे नहीं, भूत के पांव टेढ़े होते हैं, इसके पांव सीधे हैं। ये बिंदास, बिंदास भागा भागा, वो अपने आप निकल जाएगी। वो साड़ी वाली औरत हो, मरने निकली है क्या? मैं मरना चाहती हूँ। तो मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? इस रोड पे और भी तो कितनी सारी गाड़ी है, वहां जाके मरो ना। पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा दिखता ना, सारा दिन खराब हो जाता है, उल्टे सीधे लोग ही मिलते रहते। वो देखो एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है, वहां जाके मरो, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो ऐसे भागो। चल बे। ए, ये क्या कह दिया, वो तो सचमुच जा रही है। हाँ तो जाने देना, मरने दे उसको। अरे ये मरेगी तो हम लोग जिम्मेदार होंगे ना। वो कैसे बे? अरे यार तुम्हारी ये हादसा होते हुए कौन देख रहा है? हम दोनों। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? अब ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा मेरा, जाओ रोको उसे, जाओ। नहीं मैं लंदन क्यों आया? ओ विधवा औरत, ओ ओ विधवा, अबे पागल हो गई हो तुम? जाने दो मुझे, छोड़ो। ओए खुदकुशी करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आए हो तुम? आधी रात को पत्नी से झगड़ा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे घर में जाकर झगड़ा करो, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं। तेरे को इससे क्या मतलब है? तू निकल यहाँ से, चल गाड़ी निकल यहाँ से, हट हट हट। क्यों मरने के लिए? लेकिन हमारे सामने नहीं मरना, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने का है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। चल बे गुल्लू टैक्सी निकल। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा, इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? तो मैं क्या करूं? जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मर्डर के केस में तुम्हें हो जाएगी फांसी और मुझे हो जाएगी सजा। तो मैंने थोड़ी मर्डर किया, इसका पागल है क्या? अरे तुझे और इसे झगड़ा करते हुए किसने देखा है? हैं? वो गाड़ी वाले ने। वो जाके कोर्ट में बोल देगा तो फिर? तो क्या करें बताना बोने? अरे एक मिनट यार भाई, कोई देख लेगा, बताना। ए, ये तेरे को चलेगी क्या? अबे तू पागल तो नहीं है? मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तू लड़कियां सप्लाई करने की बात कर रहा है मेरे साथ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे नाटक में हीरोइन की जरूरत है ना, ये ठीक है क्या? ये हाँ। ये आत्महत्या की दुकान? हाँ हाँ। अबे पागल है, अगर चालू शो में आत्महत्या कर बैठी तो लोग सीटें जला देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, और शेट्टी तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सोच ले, तुझे हीरोइन की जरूरत है और ये आत्महत्या करने जा रही है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। क्योंकि टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ तो इसको पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी, तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी। और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। ये सोच भाई भाई भाई, डिसीजन ले डिसीजन ले, अपने को लगता है ऊपर वाले सही मौके से इसको भेजा है। अगर इसने मना कर दिया तो? हाँ तो जाए तेल लेने, इसे यही छोड़ देंगे, हमसे क्या लेना देना? तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसको बोलेंगे चली जाए यहाँ से। हाँ, चली जाए, पक्की बात? पक्की बात, ठीक है ठीक है, चल चल उठा उठा। तो इसकी साड़ी पकड़, मैं इसका ब्लाउज पकड़। उठा 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 उठा। अरे भाई बड़े खाए पिए खानदानी की लगती है। तुझे कैसे पता बे? अरे भाई वजन देख के नहीं लगता है। इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। वाकई में कितना वजन है इसका? अबे क्या पड़ोसियों के बच्चे खाती है ये? अबे मेरे हाथ पे बिठा दिया। अरे ये क्या, अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया वो बेवड़ा? कहाँ गया वो बेवड़ा? अरे इस उथल पुथल में कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया? चल मरने दे अपने को, क्या चल चल। अरे इसकी अब नीचे कैसे गया पहिए, क्या कीड़ा है क्या वो? चल आइए आइए, प्लीज प्लीज कम। सेठी सेठी सेठी, वो बंटी मर गया क्या? नहीं हीरोइन लेकर आया है। I want you to know, we're together, singing.
आइए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए, आइए मैडम, आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो, ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए, आइए यहाँ वहाँ मत देखिए, आइए आइए, आइए आइए। ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और आप? मैं तहखाने में रहूँगा। Are you sure? Yeah, yeah, sure, 100%. और मैं मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए। और ये जो है, आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए, ओके? किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज से हटिए, हटिए, मुझे याद करना, ठीक है? मुझे बुलाना, ओके? ओके ओके, थैंक यू, क्या बात है, अरे हीरोइन है हमारी। ए फेलेले, टाटा, इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका हूँ उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए मुंह उठा के चल पड़े। हाथ ला, मान गया, ये लड़की चलेगी हीरोइन के लिए चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहां से उठा के लाया? उठा के, उठा के नहीं ला, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया? रूपा, तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों, कमाल है, तेरा खानदान बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा? चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरोइन है तो। आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा है कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किस चीज से बात नहीं करेगी। सेठ जी, आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना, ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है? मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी? सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी, कभी आपने सुना है कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना है? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला, आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी, आप फैसला करिए, आप फैसला करिए। हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोला? ए, क्या बोला? भाई मैं बोलता हूँ कि तेरे को ये विलन बनने में जाता क्या है यार? दो फाइट से नहीं, इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुए मैं हीरो रहा हूँ ना। तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्कल छक्कल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल, अभी तो विलन बनेगा कि नहीं? टाइम वेस्ट मत कर, तू विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, वो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई, ओके बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना। क्या है, दो अंशों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर के नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। चल अंदर जा, अंदर जा। चलो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। सांड घुस तो नहीं गया गाय के तबेले में? देखो जरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये सब कहने के लिए तुम्हें इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ संभाल कर लेना होगा। Hmm?
शुशु क्या? अबे शुशु क्या? क्या कर रहा है? अभी तू इधर है? तो और किधर रहूंगा? नहीं अंदर कोई और शुशु कर। नहीं करूं मैं छाकता। अबे नहीं करूं मैं छाकता। नहीं करूं मैं। साठ पागल हो गया। अबे हाथ। अबे तेरी क्या? जाके से बहुत देख चुकी मुझे बहुत गंदे गले में साथी के जादू क्या कर रहा था मुन्नी को देख रहा था छाप के सोई मुन्नी को छेड़ रहा था बाबला तुम लोग छोड़ो छोड़ो यार सेठी झूठ बोला ये झूठ बोला ये बकवास कर रहा है अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था मेरे को ढूंढ रहा था उसके रूम में क्यों ढूंढ रहा था अरे मुझे ढूंढ रहा था संडास में ढूंढता तू संडास में सोता है सेठ जी संडास में नहीं सो रहा था ये इसको पूछो ये मुन्नी के रूम में झांक के देख रहा था कि नहीं पूछो इसको तू मुन्नी के रूम में झांक रहा था बाबला अब क्या बोलूं मैं फफला गया अभी फफला गया क्यों झांक रहा था मैं इसलिए झांक रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अंदर कौन है अंदर कौन होगा सेठ जी अंदर कौन होगा अंदर तो बेचारी मुन्नी थी सो रही थी खिलाटे मार रही थी बेचारी मुन्नी संडास से देख रहा था तू बेचारी मुन्नी को छोड़ो ना यार बोल दो सुन मैं अंदर से आवाज आ रही थी एक मर्द की आवाज आ रही थी मैंने अपने कानों से देखा हे राम मैं कान फट क्यों नहीं गए मर क्यों नहीं जाता सेठ जी कितना गंदा आदमी है अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है सेठ जी पूछो उसको कितना झूठ बोलता है तू राम के भगत एक मिनट ठहर सेठ जी सब लफड़ा खत्म करो दरवाजा खोल के देखो इसका लड़की का भाग रही है ये नहीं नहीं मैं देखता हूँ नहीं नहीं सेठ जी आप नहीं देखोगे पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं सेठ जी उसने पत्नी वाली नहीं मैं देखता हूँ मैं कंपनी का मालिक हूँ मैं देखूंगा मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे मैं सेठ जी हूँ डरना मत दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो मुन्नी मुन्नी अंदर कोई है कोई नहीं है सेठ जी ओके ठीक है तुम सो जाओ ठीक है गुड नाइट ऐसे कैसे गुड नाइट एक मिनट ठहरिए अंदर देखा किसी ने मुन्नी किसी बात कर रही थी किसी से भी नहीं बाबला देख मैंने देखो किसी से बात करते हुए सुना है ओ वो तो मैं अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी आप लोगों ने तो कहा था कि आपको सुबह तक रेडी चाहिए क्या हुआ शर्म नहीं आती तुझे जा रहा लड़की से माफी मांग अबे माफी मांग इतना याद रखना अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी सॉरी सॉरी गलती हो गई सर जी इसको सजा दो सर जी नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा सदा कैसी सदा क्यों भूल गया जब मैंने अंजलि को गलती से छेड़ दिया था तो आप लोगों ने मुझे धोबी बनाया था भूल गया सेठ जी याद दिला उसको अगर ये इसको सजा नहीं मिलेगी नहीं तो मैं नहीं तो क्या नहीं तो मैं मुन्नी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा समझे हाँ हाँ ये ठीक कह रहे इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए क्या मुसीबत तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा तू खुश हाँ अभी के लिए ठीक है लेकिन आगे की सजा मैं बाद में सुनाऊंगा सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ सुनो 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 कोई भी उस रूम के नजदीक नहीं जाएगा समझे ना कोई भी नहीं जाएगा तू एक काम कर तो रात को चौकीदार बन के वहाँ बाहर खड़ा रहे चमगादड़ साले अंदर रात भर जागते रहते हो जीना हराम कर दिया है क्या देख रही हो चलती हुई आग कितनी खूबसूरत लगती है ना अच्छा समा जाओ उसमें खा लो उसे आग हाँ। अच्छी लग रही है एक्स्ट्रा जवान हो मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आग मुझे खा जाए फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में आसाद पंछी की तरह चाय बनाओ सीधे सीधे दोबारा जाओ साली। बंटी बेटे चाय पी ली अब शुरू करूं मैं अभी गन की रिहर्सल करेंगे ठीक है चलो भाई हाँ सेठ जी तंबोरा बजाइए क्या हुआ सेठ जी रेडी रेडी इधर ध्यान दो हाँ सेठ जी गला फाड़िए वो देखो क्या हुआ ऐसा नाक चपटा करके क्यों खड़ा है अंदर आना Shut up you rat बेटा
गुरु तोड़ दो साले की टांग कम ऑन टाइगर्स अरे वो टिंगू कहां गया सेठी वहां देखो सेठी वहां देखो चल साले मेरी टांग तोड़ी गटर में फेंका आपने ऐसे किसी को भागते हुए देखा भाई? जिसने तुम्हारे गुरु की टांग तोड़ी वही ना? हाँ हाँ वही 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 वही। वो he's gone straight. Hey guys, get him! ये खबर अखबार में भी छप गई? हाँ हाँ छप गई। गुरु, आपके लंगड़े होने की खबर अखबार में भी छप गई? अच्छा? ये प्रेस वाले जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना? Hey, वो कमीना किधर गया? इधर गुरु। तू क्या इधर मुद्र कर रहा? पकड़ उसको। Oh yes! तू देख इसमें क्या लिखा मेरे बारे में? तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ये ऐसी है। ठहर, मैं पढ़ता हूँ। आका, ताका, ये पकड़ लिया। He's there। आ जल्दी आ। छोड़ मुझे। अरे इसकी टांग तोड़। रुक जाओ। इसकी टांग तोड़ इसकी। ये मेरा शिकार है। ये टांग हमको दे दे। ये टांग हमको दे दे। अबे चुप। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़। अरे नहीं तोड़ दी। पकड़ो। अरे उसको नहीं। अरे मुझको पकड़ो, मुझको उठाओ। मुझे अस्पताल लेके जाओ। अरे आप नहीं ले आंगू। सॉरी टूट गई। सॉरी सर। गुड गुड। गीत के बोल बराबर लिख लेना ताकि शो में ऊपर नीचे। तुम लिखो यहाँ। तेरे बिन there ain't no desire. तेरे बिन my world's on fire. Fire, not tire. ये fire ही तो है। मैं F ऐसे ही लिखती हूँ। उल्टा। तू सीधा पढ़ ना। मेरा क्या? Okay. तेरे बिन I can't fly higher. Thanks. किस बात के लिए? वो आपने हमारे शो के लिए हेल्प किया ना? अरे दैट्स नथिंग। आजकल आपने भी मुस्कुराना सीख लिया। एक्टिंग अब मैंने भी सीख ली है जीने की। अब हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात करें? किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती? अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अच्छा मस्ती बंद। आज के बाद मरने वरने की बातें सब बंद। मरने की बात की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यही कर लो। मस्ती मौज धमाल जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी। कम ऑन फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़कियां भी ना बड़ी चलाक होती हो। जानती सब हो लेकिन हमसे सुनना चाहती। कोई बात नहीं। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। बीए में इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मुन्नी 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 आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी। मैं मेरी बात सुनो। सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती। तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी। बाद में देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई है। बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं। हाँ तुम वही हो ना? उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। हाँ हाँ। ये किस रात को? तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ हाँ हाँ। उसने मुझे बोला था
कि वो आग में कूद कर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ तेरे को बोला और अब कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स अ साइकेट्रिक हेल्प। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना प्लीज प्लीज। एक मिनट जल्दी चलिए। देख रहे हैं सेठ जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहा है। ये साइड में ले जाना क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे चार पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में और वो राजी भी हो गई करने के लिए। डॉक्टर, she's regaining consciousness. Okay, thanks. देखिए उन्हें होश आ गया है। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? Relax, relax. ये सब लोग कौन हैं? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में? आपके साथ? मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? मेरा पति कहाँ है? पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे भांडों की तरह, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुमको हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान, लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 07964207008। क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए, शुक्रिया अदा करना है तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई है। मैंने पुलिस कंप्लेन लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेन। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ। और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज़।
कौन है होगा? हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। बंटी को बोलिए कि मुझे बचा ले। क्या हुआ क्या? ये आदमी मेरा पति नहीं है, बंटी मेरा पति है। बंटी तुम्हारा पति है? तो शादी कब हुई? अब बंटी को बुलाइए ना, प्लीज बंटी को बुलाइए। बंटी, बंटी, उसका फोन है। किसका? लगता है फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। किसका? मुन्नी को। चल चल, फोन पे रो रही है। बंटी, बंटी तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुन्नी, मुन्नी तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी पत्नी हो मुन्नी। तुम्हारे यहाँ नहीं। देखो यहाँ पेट्रोल का डिब्बा और माचिस पड़ा हुआ है, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बंटी, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये सब क्या है? इनका खाना। इनका खाना? अरे पहले इनका आज का गाना बजाना होने वाला या नहीं ये तो तय हो जाने दो, बाद में खाना देना समझे, वरना जुर्माना कौन भरेगा तेरा बाप? इनका खाना है। सोइए मत, उठिए। वहां आपने एक हीरोइन बताई थी, वो मस्त थी। यहाँ आपने दूसरी हीरोइन बताई, वो भी मस्त थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शो होना ही चाहिए, और अगर ये शो नहीं हुआ तो यहाँ की जेल में तुम सब लोग रोज शो करोगे। देखिए देखिए, हमने हल निकाला है, हम ये ड्रामा नहीं करते, हम दूसरा ड्रामा करेंगे जिसमें हीरोइन नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके ये शो होना ही चाहिए, समझे? शेर खान जी, इस बार आपको पुड़िया जरूर मिलेगी, एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। पिछली बार खुफिया पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया था। Yes, boss. इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Yes, boss. क्योंकि डीलिंग के वक्त मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा नजर रखने के लिए। Yes, boss. और हम डीलिंग किसी सुमसान जगह नहीं, Yes, boss. पब्लिक प्लेस में करेंगे। Yes, boss. ताकि किसी को हम पर शक ना हो। Yes, boss. अब लंदन में मोर के पंख कहाँ मिलेंगे यार? अब छोड़ दो, मोर कहाँ दिखाई देगा, देखने दे मुझे। ओ माता जी, एक मिनट। मिल रहा है बंगला? अरे सस्ते में मिल रहा है भाई। जल्दी जल्दी, क्या हुआ? आना तू भी। क्या हुआ, क्या अभी हुआ, क्या अभी? मैंने उसको देखा अभी अभी, इसी बीच में जाते हुए देखा। किसको देखा? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे अरे, तेरी आवाज क्यों पोपली हो गई भाई? तू आना यार। अब हुआ क्या? अरे तू चुपचाप चल यार, तू चल। लेकिन देखा किसको? देखा किसको? अरे उसको कहीं यही देखा यार मैंने। इसको ड्रग वाले को, इसको किससे डरा हुआ है? That corner. कहाँ गई? ऐसे कैसे गई? Hello. किसकी बात? नमस्ते। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मैंने वो लड़की को देखा सर। किसे? सर, वो लड़की जो मर के जलकर मर गई सर, वो कौन? निशा? यस सर, एग्जैक्टली। What nonsense! Impossible! ये कैसे हो सकता है? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद देखा सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने देखा सर। वो पागल लड़की जब से जल के मरी है तब से ये लड़का भी पागल हो गया है।
खुद बोलता है जल के मर गई और बाद में खुद बोलता है कि मैंने देखा है, कैसे देख सकता है? तो पागल है क्या? तुझे मैं सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से देखा सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। Yes, boss. इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए। Yes, boss. एकदम चौकन्ने रहे। Yes, boss. उनके हाथ में लाल बैग होगा। सामने वाली Yes, boss. सामने वाली पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। Yes, boss. मैं यहाँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। Yes, boss. और इस बार डील होनी ही चाहिए। Yes, boss. Get lost. Yes, boss. Get lost. Yes, boss. देखो मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है। क्या हो गया तेरे को? अजीब बातें कर रहा है तू। ठीक है ठीक है ठीक है, किस तरफ जाते हुए देखा है? सर इस तरफ सर। उधर खुफिया पुलिस पुलिस सर उछल के देखिए बॉस, खुफिया पुलिस कहाँ हो रहे? पुलिस कमिश्नर भी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो ना बॉस। बॉस कौन हो? कौन तुम लोग? मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ। नो भिखारी लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। जाने कहाँ है वो? हाँ कहाँ है वो? सर कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की को देखा सर, यहीं कहीं आई है सर। ये तुम्हारा वहम है, तुमने किसी और को देखा हो, और वैसे भी मरे हुए वापस नहीं आते। और हाँ सर मैं तुम्हारे शो पर आ रहा हूँ। ठीक है सर। इनसे मिलिए, मिस्टर रॉबिंसन। हाउ डू यू डू? डॉक्टर प्लेजर प्लेजर। नाकों में बसे हो तुम्हें फट से निकाल दूंगा। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? फटाफट तैयार हो जाओ, अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं अभी हल्का होके आता हूँ। अरे तुम शो से पहले क्यों संडास करते हो? होटल में हल्के होके नहीं आ सकते क्या? किधर है बाथरूम? ए भगवान साला इतना दूर है, पता होता तो सुबह ही करके निकलता यार। किधर है बाथरूम? ज़्यादा कर दिया क्या? इतना हाँप क्यों रहे हो? भूत, 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 क्या भूत? उस लड़की का जो मर गई थी। मुन्नी, 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 मैंने उसका भूत देखा। आपने भी देखा भूत? आपने मैंने? क्या तूने भी देखा? अच्छा वो छोड़, देखा किधर? मैंने दो बार देखा, दो बार देखा। अरे मैं गिनती नहीं पूछ रहा, देखा किधर? मैं बता दूँ। चल 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 चल। किधर है? आगे आगे। उधर 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 चलो। Yeah! 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 Ye
ये क्या किया तूने? गोली चलाई? तूने मारा था इसको? अरे मैंने मैंने नहीं मारा इसको, मैंने कहा गोली चलाई। बंदूक तो तेरे हाथ में, अपने पर क्या ये? अब क्या कर रही है? तो मर चुका है, और अगर किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा कि ये खून हमने किया है। ये हमने नहीं, भगवान किसने किया है? अरे ये सुन लेना, अरे गोली चलाई। चुप चुप, हमको सिर्फ अब इतना सोचना है कि अपने आप को बचाए कैसे, बस। चुप। ये देखो ए, मैंने ये गोली नहीं चलाया, तुम लोग ऐसा मत बोलो। जब तक शो खत्म नहीं हो जाता ना, ये लाश किसी को दिखनी नहीं चाहिए, कहीं छुपा देते। और अगर शो के बाद किसी को नजर भी आती है ना, तो शक अपने पे नहीं जाएगा। छुपाएंगे कहाँ? जेब में? कहीं भी। इसको यहाँ से निकालो, एक तो अपनी किस्मत भी खराब है, बाथरूम जाने का रास्ता भी यही है। छुपाओ इसको कहीं भी। वेलकम वेलकम वेलकम। आज के हमारे शो के मुख्य मेहमान हैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर श्री जे डी मेहरा। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनसे अनुरोध करता हूँ कि ये अपने शुभ हाथों से इस दीपक को जलाएं और इस शो की शोभा बढ़ाएं। एक काम करते हैं, इसको सॉरी, इसको अंदर डालते हैं। चल 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 ये बंदूक क्या हो गया? बंदूक बंदूक ओ निशान बेटा जल्दी 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 कमल बास हाय हाय जल्दी जल्दी आइए आइए सर जी आइए आइए आजा 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 जल्दी जल्दी कोई है तो नहीं है? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जल्दी कपड़े बदलो कपड़े बदलो, ट्रेन का टाइम हो गया। Please do not panic. Please do not panic. जब तक पुलिस छानबीन करे, आप सब अपनी जगह पर बैठे रहें. Please don't leave the hall. Thank you.